हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूँ तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों, आज ये वीडियो के अंदर आपको पूरे क्लियर करके समझाने के लिए मैं कोशिश करूँगा। सीआरटी टीवी के अंदर कुछ भी कलर प्रॉब्लम हो सकते हैं और कितना टाइप कलर प्रॉब्लम होता है, ये सब प्रॉब्लम के ऊपर आपको पूरा विस्तार से बताने के लिए मैं कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, न्यू टेक्नीशियन को बहुत फ़ायदा होगा ये वीडियो लास्ट तक देखने के बाद। कुछ भी टाइप कलर प्रॉब्लम हो सकता है, आसान तरीका से कैसे रिपेयर कर सकते हो ये वीडियो देखने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, मैं बिना टाइम में वेस्टेज नहीं करना चाहता। हेलो दोस्तों, आज आपको ये वीडियो में देखूंगा और क्लियर करके मैं समझाने के लिए कोशिश करूंगा कि सीआरटी टीवी के अंदर जब कलर प्रॉब्लम देखा जाता है तो कलर प्रॉब्लम कैसे रेडी किया जाता है। पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो के अंदर समझने के लिए कोशिश करूँगा। आपको प्रैक्टिकली ये वीडियो के अंदर नहीं देखूँगा, बट प्रैक्टिकल वीडियो बहुत बना के रखा है, क्योंकि प्रैक्टिकल देखने के समय पूरा डिटेल्स बताना संभव नहीं है। तो इसलिए मैं ये वीडियो के अंदर आपको डिटेल्स बताऊंगा। तो कलर प्रॉब्लम किस तरह आता है, अलग अलग टाइप का पर जो आता है कि स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि ये जो स्क्रीन ब्लू कलर का ऊपर इस तरह कलर जब देखा जाता है, इसको कलर पैच प्रॉब्लम कहा जाता है। तो दोस्तों, इसका ऊपर जब पिक्चर आएगा तो पिक्चर का अलग अलग साइड पर वो कलर डिसकलर देखा जाता है, वह कलर फॉल्ट है। तो इसी तरह कलर प्रॉब्लम जब आता है कि कलर पैच प्रॉब्लम जब आता है तो इसी तरह प्रॉब्लम जो होता है ये मेन पीसीबी के अंदर इस तरह जो पीटीसी है, ये पीटीसी प्रॉब्लम से ठीक है। और ये जो पीटीसी, ये पीटीसी से एक लाइन जाता है, ये जो पॉइंट लिखी डिगोसिंग कॉयल का लाइन है, जो पिक्चर ट्यूब का साइड ठीक है, पिक्चर ट्यूब का बॉडी का ऊपर एक कॉयल देखा जाता है, तो वो कॉयल मैग्नेटिंग करके वो कलर पैच को रिमूव करता है। जब ये पीटीसी खराब हो जाएगा तो दोस्तों वो डिगोसिंग कॉयल, ये पॉइंट का जो कनेक्शन डिगोसिंग कॉयल, वो काम नहीं करेगा। हो सकता है ये डिगोसिंग कॉयल काट जाएगा तो तब भी ये पीटीसी काम नहीं करेगा, कि डिगोसिंग कॉयल ओपन हो जाएगा, काट जाएगा तो पिक्चर ट्यूब का जो बॉडी होता है उसका चारों साइड वो कलर पैच को रिमूव नहीं कर पाएगा ठीक है। तो इसीलिए डिगोसिंग कॉयल का क्वांटिटी आप टेस्ट करके चेक कर सकते हो, और ये पीटीसी खराब होगा तो ये पीटीसी चेंज करके वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों, हो सकता है कि डिगोसिंग कॉयल ओके है और पीटीसी भी ओके है, हो सकता है पीटीसी न्यू लगाया, कॉयल भी ओके है, तब भी कलर पैच प्रॉब्लम नहीं रिमूव हो रहा है। तो इसका एक रीजन है कि टीवी का आसपास कुछ भी मैग्नेट रखेगा तो इस तरह प्रॉब्लम हो सकता है ठीक है। तो ये जो मैग्नेट है, इसका अंदर ये जो मैग्नेट आप देखिए, इसी तरह मैग्नेट बॉक्स इस तरह टीवी का आसपास रहेगा तो तब भी कलर पैच प्रॉब्लम हो सकता है। आपका मोबाइल का चार्जर रखेगा तो चार्जिंग जो मोबाइल चार्ज करने का समय मोबाइल वहाँ पर रखेगा तो तब भी कलर पैच प्रॉब्लम हो सकता है। सेटअप बॉक्स से भी कुछ सेटअप बॉक्स से भी कलर पैच प्रॉब्लम हो सकता है ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, टीवी से थोड़ा दूर रखना पड़ेगा सेटअप बॉक्स, मोबाइल चार्जर और मोबाइल को चार्ज करने का समय ठीक है। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। और दोस्तों, उसका बाद ये पीटीसी और डिगोसिंग कॉयल सब कुछ ओके होने के बाद कलर पैच प्रॉब्लम नहीं जाएगा तो आपको फ्लैशिंग करना पड़ेगा डिगोसिंग कॉयल को। डिगोसिंग कॉयल को किस तरह फ्लैशिंग किया जाता है तो उसका ऊपर मैं ऑलरेडी प्रैक्टिकल 2-3 वीडियो बना के रखा है, तभी मैं आपको बता सकता हूँ। आपको सीरीज लाइन से ये डिगोसिंग कॉयल पॉइंट को ओपन करके उसका अंदर सीरीज 100 और 200 वाट बल्ब सीरीज करके एक दो बार ऑन ऑफ करेगा तो कलर पैच प्रॉब्लम चला जाता है ठीक है। और एक रीजन है कि पिक्चर ट्यूब का अंदर जो ईयोक है ठीक है, वो ईयोक चेंज करने के बाद सही से एडजस्ट नहीं होगा तो तब भी इसी तरह कलर पैच प्रॉब्लम हो सकता है। आपको सही से ईयोक कॉयल को एडजस्ट करना पड़ेगा, ईयोक कॉयल सही से एडजस्ट नहीं होगा और ईयोक कॉयल मैच नहीं होगा तब भी कलर पैच प्रॉब्लम हो सकता है ठीक है। तो हल्का सा एडजस्टिंग प्रॉब्लम होगा तो मतलब हल्का सा डिसबैलेंस है तब भी कलर पैच प्रॉब्लम है, तो दोस्तों वो आप रिमूव कर सकते हो जो डिगोसिंग कॉयल है, डिगोसिंग कॉयल को फ्लैशिंग करके। तो वो तो एक बात हो गया, और डिगोसिंग कॉयल के बारे में आपको बताया। और उसका बाद आर एक कलर पैच प्रॉब्लम, सॉरी कलर प्रॉब्लम, जो दोस्तों चारों साइड हल्का हल्का रेड ग्रीन ब्लू इस तरह कलर देखा जाता है, जिस तरह मैं स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाता हूँ। बट दोस्तों, इसी तरह कलर पैच प्रॉब्लम आएगा तो, और पिक्चर इसका साथ पिक्चर नहीं आना चाहिए, तो दोस्तों पिक्चर नहीं आएगा तो इसी तरह प्रॉब्लम को रेनबो प्रॉब्लम कहा जाता है ठीक है। जो रेनबो होता है, रेनबो कलर जैसा होता है, इसी तरह रेनबो प्रॉब्लम। तो दोस्तों इसी तरह प्रॉब्लम, ये जो वर्टिकल आईसी देखा जाता है इसी तरह ठीक है, ये जो वर्टिकल आईसी देखा जाता है एक्चुअली मेनली ब्रांडेड पीसीबी के अंदर जो वर्टिकल आईसी यूज़ होता है, चाइना पीसीबी के अंदर इसी तरह प्रॉब्लम नहीं आता है ठीक है। ब्रांडेड पीसीबी के अंदर जो वर्टिकल आईसी देखा जाता है, इसी तरह जो वर्टिकल आईसी होता है, तो दोस्तों वो वर्टिकल आईसी का दो सप्लाई पॉइंट होता है, एक माइनस सप्लाई और एक प्लस सप्लाई। चाइना पीसीबी के अंदर एक ही सप्लाई होता है जो प्लस सप्लाई, तो इसीलिए इसका अंदर इस तरह प्रॉब्लम नहीं आता है।
जिस पीसीबी के अंदर प्लस सप्लाई और माइनस सप्लाई, इसी तरह वर्टिकल आईसी का, तो वो माइनस सप्लाई मिसिंग होने का रीजन से 99% वर्टिकल सप्लाई मिसिंग होने से और वर्टिकल माइनस सप्लाई शॉर्ट होने का बाद और ये आईसी शॉर्ट होने का बाद मेनली माइनस सप्लाई जब ड्रॉप हो जाएगा उसी तरह प्रॉब्लम आ जाता है। और दोस्तों जो मेन आईसी से प्रोसेसर आईसी से इसी तरह प्रोसेसर आईसी से सिग्नल वर्टिकल आईसी पर आता है वो सिग्नल मिसिंग होने के बाद भी रेनबो प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो ये कलर प्रॉब्लम का अलग अलग डिफरेंट टाइप आपको बताया। तो उसका बाद चलिए मेन जो कलर प्रॉब्लम ओरिजिनल जो कलर प्रॉब्लम कहा जाता है, जो मेन पीसीबी का ओरिजिनल कलर होता है रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है। ये जो कलर टीवी होता है, कलर टीवी के अंदर रेड ग्रीन ब्लू ये तीनों कलर मिक्सिंग होने के बाद प्रॉपर कलर बनता है पिक्चर ट्यूब के अंदर, ठीक है। तो वो कलर किस तरह काम करता है, तो दोस्तों मतलब सब कुछ ओके है, पूरा वोल्टेज ओके है, कुछ भी वोल्टेज का गड़बड़ नहीं है, ओनली कलर प्रॉब्लम है। तो दोस्तों अभी इसी टाइम आपको याद में रखना पड़ेगा कि बहुत दिन हो गया अभी न्यू टीवी मार्केट के अंदर नहीं आ रहा है, मतलब ब्रांडेड टीवी जो टीवी आता है सभी पुराना, मतलब पिक्चर ट्यूब जो मॉनिटर ट्यूब होता है वो मॉनिटर ट्यूब को ये चाइना पीसीबी इंस्टॉल करके वो टीवी बना के मार्केट पर आता है। तो दोस्तों एक्चुअली मैं जो बताना चाहता हूँ, सभी पिक्चर ट्यूब एक्चुअली पुराना हो गया, न्यू पिक्चर ट्यूब अभी नहीं बन रहा है, तो इसीलिए पिक्चर ट्यूब प्रॉब्लम अभी आ रहा है। तो ये जो पिक्चर ट्यूब प्रॉब्लम और पीसीबी प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम से भी कलर प्रॉब्लम हो सकता है। तो मुद्दा बात यही है कि कैसे आइडेंटिफाई करें कि पिक्चर ट्यूब का फॉल्ट है कि पीसीबी का फॉल्ट है, तो इसका ऊपर मैं डिटेल्स एक वीडियो बना के रखा है, ठीक है। ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप लास्ट में फॉलो कीजिए, स्टेप बाय स्टेप पूरा अलग अलग वीडियो में बना के रखा हूँ, ठीक है। पिक्चर ट्यूब प्रॉब्लम कैसे चेक किया जाता है, तो वो तरीका अलग है, तो वो आप आसानी से चेक कर सकते हो कि पिक्चर ट्यूब से कलर प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं, ठीक है। और पीसीबी से कलर प्रॉब्लम होगा तो तब भी आप कैसे आइडेंटिफाई करें, चलिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो कलर किस तरह बनता है, तो दोस्तों फर्स्ट ये जो मेन प्रोसेसर आईसी है, ठीक है, इस तरह लंबा आईसी भी हो सकता है, चिप आईसी भी हो सकता है। ये आईसी से तीनों आरजीबी सिग्नल आउटपुट होता है। मेन आईसी इस तरह आईसी हो सकता है और प्रोसेसर आईसी चिप प्रोसेसर आईसी भी हो सकता है। तीनों लेग होता है, तीनों लेग से अलग अलग लेग से रेड ग्रीन ब्लू तीनों कलर आउटपुट होता है, ठीक है। और होने के बाद इसी तरह एक वायर सभी पीसीबी के अंदर देखा जाता है, ये वायर से एक बेसबोर्ड देखा जाता है, इसी तरह बेसबोर्ड यहाँ पर तीनों कलर आता है, ठीक है। तीनों कलर आने के बाद ये बेसबोर्ड किस तरह काम करता है, चलिए मैं आपको पूरा डिटेल्स बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए उसका पहले आपको दिखाना चाहता हूँ कलर कौन पोजीशन से आ रहा है और आता है। देखिए आप यहाँ पर फॉलो कीजिए, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 पाँच पॉइंट है, ठीक है। चलिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 पाँच पॉइंट है। ये इधर पॉइंट जो है ये आप लाइन ट्रैक करेगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये 8 वोल्ट लाइन है, यहाँ पर 8 वोल्ट आता है, ये भी बेसबोर्ड पर जाता है और ये 8 वोल्ट आता है। यहाँ पर दो रेगुलेटर ट्रांजिस्टर है, एक 5 वोल्ट और 8 वोल्ट, 8 वोल्ट लाइन से यहाँ पर एक 8 वोल्ट आता है और ये बेसबोर्ड पर जाता है। इसका काम क्या है ये भी आपको बताऊँगा। और उसके बाद देखिए 1 2 3 ये तीनों जो पॉइंट है यहाँ से आरजीबी सिग्नल बेसबोर्ड पर जाता है और उसके बाद एक पिन ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव पिक्चर ट्यूब का बेसबोर्ड पर जाता है। तो दोस्तों ये जो चौड़ा वाला पत्ती ये हर टाइम नेगेटिव ही होता है, ठीक है। ये देखिए चौड़ा वाला पत्ती इसका अंदर आ गया, ये भी चौड़ा वाला पत्ती, ये भी नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव बहुत पीसीबी का बहुत पॉइंट का साथ कनेक्शन है, ठीक है। और यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, देखिए जो 1 2 3 पॉइंट है ये एक एक लाइन का आपको इस तरह देखना पड़ेगा, देखने के बाद पता चलेगा बीच में एक रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस देखिए आईसी का पिन का साथ कनेक्शन है। तो दोस्तों ये एक कलर सिग्नल है, लाइन है। और उसके बाद ये लाइन सेम तरह रखेगा तो ये देखिए बीच में एक रेजिस्टेंस है और ये आर एक आईसी पिन का साथ कनेक्शन है, ये एक कलर सिग्नल है। और उसके बाद ये लाइन देखिए, ये लाइन का इधर देखिए एक रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस ये एक आईसी पिन का साथ कनेक्शन है। मतलब ये तीनों पिन से अलग अलग कलर सिग्नल इधर आता है और ये बीच में ये अलग अलग पॉइंट पर आता है। दोस्तों प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर तीनों डायोड देखा जाता है, आप अच्छा करके देखिए, ये तीनों जेनर डायोड का सिंबल है बट दोस्तों 4148 यहाँ पर यूज़ होता है चाइना पीसीबी के अंदर। दोस्तों ये जो लाइन देखिए, ये लाइन देखिए नेगेटिव के साथ कनेक्शन है, देखिए ये जो चौड़ा वाला पत्ती ये नेगेटिव के साथ देखिए ये डायोड कनेक्शन है, ठीक है। तो चौड़ा वाला पत्ती के साथ ये डायोड कनेक्शन होगा तो नेगेटिव के साथ कनेक्शन होगा तो ये डायोड का नेगेटिव साइड इधर होगा, मतलब ये जो सिग्नल आएगा ये डायोड का पॉजिटिव साइड इधर है, इधर से सिग्नल नेगेटिव पर नहीं जाएगा। आप अच्छा करके ध्यान दीजिए,
ये सिग्नल इधर नहीं जाएगा, आप अच्छा करके ध्यान दीजिए, सिग्नल इधर नहीं जाएगा, और ये डायोड का इधर से इधर घुमा के लगाएगा तो क्या होगा कि ये सिग्नल नेगेटिव पर चला जाएगा, और ये जो कलर है मतलब रेड कलर का लाइन है तो रेड कलर प्रॉब्लम स्क्रीन पर शो होगा। तो ये डायोड लगाने का समय, चेंज करने का समय भी आपको ध्यान पूर्वक लगाना पड़ेगा। बहुत पीसीबी के अंदर ये जो तीनों पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट 8 वोल्ट लाइन के साथ कनेक्शन देखा जाता है। तो दोस्तों 8 वोल्ट लाइन के साथ कनेक्शन होगा तो ये सेमी लाइन के साथ कनेक्शन मिलेगा, ठीक है, ये तीनों पॉइंट के साथ अलग अलग डायोड कनेक्शन मिलेगा, और ये डायोड उल्टा करके आपको देखना पड़ेगा। 8 वोल्ट के साथ कनेक्शन होगा तो मतलब 8 वोल्ट लाइन पर इसका पॉजिटिव साइड होगा, ये डायोड की ये जो साइड है ये पॉजिटिव साइड होगा, और ये जो नेगेटिव साइड ये दोस्तों आईसी सिग्नल का साइड होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि ये नेगेटिव साइड पर पॉजिटिव सप्लाई होगा तो ये सप्लाई डायरेक्ट आईसी पर चला जाएगा और आईसी भी ख़राब हो जाएगा, ठीक है, इसी तरह इसका कनेक्शन है। तो चलिए मान लो कुछ भी कलर प्रॉब्लम स्क्रीन पर आ रहा है, अब पिक्चर ट्यूब टेस्ट करने का तरीका आप देखना चाहता हो तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉलो कीजिए, ठीक है। और उसका बाद मान लो पिक्चर ट्यूब ओके है, आप ये पीसीबी अलग पिक्चर ट्यूब पर लगा के भी टेस्ट करके देख सकते हो कि अलग पिक्चर ट्यूब पर पिक्चर ओके आ रहा है, मतलब अलग पिक्चर ट्यूब पर पिक्चर ओके आ रहा है, और जिस टीवी के अंदर कलर प्रॉब्लम है तो वो कलर से ही नहीं आ रहा है तो उसका पिक्चर ट्यूब खराब है, तो उसी तरह कन्फर्म कर सकते हो। और दोस्तों मान लो ये अलग पिक्चर ट्यूब पर लगाने के बाद तब भी कलर फॉल्ट है, तो दोस्तों चेक करने का आसान तरीका क्या है, फर्स्ट किस तरह चेक करना पड़ेगा देखिए मैं आपको बताता हूँ। मान लो कलर प्रॉब्लम है, ठीक है, पिक्चर ट्यूब ओके है तो पीसीबी का फॉल्ट है, किस तरह चेक करना पड़ेगा तो देखिए आप एक मिनट ऑन करके रखिए, ऑन करने के बाद देखिए जो कलर प्रॉब्लम है, हो सकता है रेड प्रॉब्लम, हो सकता है ग्रीन प्रॉब्लम, हो सकता है ब्लू कलर, तो इस तरह अलग अलग कलर जो पिक्चर का साथ, ठीक है, कलर प्रॉब्लम है, तो एक मिनट दो मिनट ऑन करके रखने के बाद आप टीवी को ऑफ कर दीजिए। ऑफ करने के बाद ये जो तीनों रेजिस्टेंस है, तो चाइना पीसीबी के बारे में आपको बताता हूँ, कुछ भी पीसीबी इस टाइप हो सकता है, ट्रांजिस्टर पीसीबी होगा तो जरूर इस तरह या मोटा मोटा इस तरह रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, तो ये रेजिस्टेंस को आप टच करके देखिए कुछ भी रेजिस्टेंस ओवर हीट हो रहा है कि नहीं। बर्दोस्त आपको ध्यान रखना पड़ेगा तीनों रेजिस्टेंस से हीट होता है, तीनों ट्रांजिस्टर भी हीट होता है, ठीक है। आपको इस तरह टच करने के बाद आपको पता चलेगा कि कुछ भी रेजिस्टेंस ओवर हीट हो रहा है कि नहीं। मान लो कुछ भी एक रेजिस्टेंस ओवर हीट हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा, तो दोस्तों आप पता कर सकते हो इसी तरह कि कलर प्रॉब्लम कैसे रेडी कर सकते हो आप। मान लो ये रेजिस्टेंस ओवर हीट हो रहा है, ये एक बात है, तो चलिए ये रेजिस्टेंस ओवर हीट होगा तो फर्स्ट क्या देखना पड़ेगा, मान लो ये रेजिस्टेंस है, ये धार पर रेजिस्टेंस है, कुछ भी रेजिस्टेंस हो सकता है, ये एक एक रेजिस्टेंस के साथ एक एक ट्रांजिस्टर कनेक्शन है। तो देखिए मान लो ये जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस के साथ देखिए दोस्तों, ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस पर 180 वोल्ट सप्लाई आता है, ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट से 180 वोल्ट सप्लाई आता है तीनों लाइन के अंदर, और एक एक रेजिस्टेंस ही डिवाइड हो जाता है। मान लो ये रेजिस्टेंस ओवरहीट हो रहा है और ये रेजिस्टेंस का सप्लाई किधर जा रहा है, देखिए ये लाइन से इधर लाइन से, ये देखिए ये ट्रांजिस्टर पर आ रहा है, तो दोस्तों ये ट्रांजिस्टर खुद शॉर्ट हो जाएगा तो, ठीक है, ये रेजिस्टेंस ओवरहीट होगा, और ये जो रेजिस्टेंस ये लाइन का अंदर, ये देखिए ये जो लाइन जा रहा है, ये लाइन देखिए आप अच्छा करके देखिए, ये रेजिस्टेंस से ये देखिए इधर चला गया और इधर से रेजिस्टेंस इधर है, और ये देखिए ये बी कैथोड का पिन है, ठीक है, मतलब ये ब्लू कलर का लाइन है, तो ये कैथोड पिन अंदर से शॉर्ट हो जाएगा तो पिक्चर ट्यूब से, ठीक है, तब भी ये रेजिस्टेंस ओवरहीट होगा। और बहुत चाइना पीसीबी के अंदर आपको बताना चाहता हूँ कि ये फर्स्ट पिन ओपन रहता है, ठीक है, और ये जो पिन, ये पिन का साथ ये पिन कभी कभी सोल्डरिंग कर देता है न्यू पीसीबी कनेक्शन करने का समय, तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक नंबर पिन आपको ओपन रखना पड़ेगा, क्योंकि एक नंबर पिन ये नेगेटिव के साथ बहुत पीसीबी के अंदर कनेक्शन देखा जाता है, और बहुत पिक्चर ट्यूब का ये एक नंबर पिन और दो नंबर पिन पिक्चर ट्यूब का अंदर से शॉर्टिंग रहता है, तो नेगेटिव के साथ जरूर आप ये पिन को कनेक्शन चेक कीजिए कि ये शॉर्टिंग तो नहीं बता रहा है, ठीक है, ये ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको वीडियो के अंदर दिखाता हूँ, ठीक है।
और एक रीजन है कि ये रेजिस्टेंस ओवरहीट होगा तो, और मान लो ये ट्रांजिस्टर अब न्यू लगाया तब भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। दोस्तों ये ट्रांजिस्टर के अंदर एक सिग्नल लाइन है, देखिए इस सिग्नल लाइन के अंदर देखिए एक डायोड है, ठीक है, ये डायोड शॉर्ट भी हो सकता है, और ये जो रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस सभी ट्रांजिस्टर को सिग्नल देता है। देखिए ये सभी रेजिस्टेंस तीनों ट्रांजिस्टर को सिग्नल देता है, इसी तरह एक एक रेजिस्टेंस। और ये जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है ये देखिए ये पिन का साथ कनेक्शन है, जो बेस बोर्ड जो है इसका अंदर जो ये वायर है, ये वायर ये पीसीबी से कनेक्शन आता है, ठीक है। मान के चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये फर्स्ट रेजिस्टेंस आपको दिखाता हूँ, ये ब्लू कलर ट्रांजिस्टर को सप्लाई सिग्नल देता है, ठीक है, ये सप्लाई नहीं है सिग्नल देता है। और उसके बाद चलिए ये जो कलर लाइन है, ये कलर लाइन से दोस्तों देखिए बीच में एक रेजिस्टेंस है और ये ट्रांजिस्टर को सिग्नल देता है, आप अच्छा करके देख सकते हो। तो उसके बाद चलिए ये जो लाइन है, ये लाइन भी आप अच्छा करके देखा तो देखिए बीच में एक रेजिस्टेंस है और ये ट्रांजिस्टर को सिग्नल देता है, तो दोस्तों सिग्नल लाइन है। तो इसी तरह ये रेजिस्टेंस ओवरहीट होगा तो आपको ये जो लाइन आपको बताया, ये लाइन के अंदर ये डायोड भी फॉल्ट हो सकता है, ट्रांजिस्टर भी फॉल्ट हो सकता है, कैथोड पिन फॉल्ट हो सकता है, और ये जो सिग्नल यहाँ पर आता है बीच में ये जो डायोड देखा जाता है, आप देखिए मैं आपको जो फर्स्ट टाइम दिखाया यहाँ पर जो 4148 डायोड है, जिस लाइन का साथ ये डायोड देखा जाता है वो ये डायोड शॉर्ट हो जाएगा तो तब भी कलर प्रॉब्लम होगा, और ये डायोड शॉर्ट का रीजन से इसी तरह रेजिस्टेंस ओवरहीट होगा, ठीक है, अब नोट करके रख सकते हो। और दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ, जब ये ओवरहीट के बारे में आपको बताता हूँ, इसी तरह और एक फॉल्ट, मान लो ये डायोड भी ओके है, डायोड आप मीटर से चेक करके देखा कि डायोड ओके है, हो सकता है ये जो आईसी से सिग्नल आ रहा है, ये जो आईसी पिन, ये आईसी पिन खुद शॉर्ट हो सकता है, ठीक है, ये आईसी पिन खुद शॉर्ट हो जाएगा तो तब भी रेजिस्टेंस ओवरहीट होगा और कलर प्रॉब्लम होगा। तो कैसे चेक करें, तो दोस्तों अब मीटर से नेगेटिव के साथ ये एक एक पिन को चेक करके देख सकते हो, तीनों पिन का क्वांटिटी जो ओम्स होता है सेम टू सेम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। वोल्टेज चेक करेगा तो वोल्टेज यहाँ पर तीनों पिन के अंदर सेम टू सेम देखने को मिलेगा, 1.5 वोल्ट से 3.5 वोल्ट का अंदर ही इसका अंदर वोल्टेज देखा जाता है। चाइना पीसीबी के अंदर जो ब्लू कलर सिग्नल का वोल्टेज थोड़ा हाई देखा जाता है, बट अलग अलग बहुत पीसीबी के अंदर सेम टू सेम ही वोल्टेज देखा जाता है 1.5 वोल्ट से 3.5 वोल्ट का अंदर, ठीक है। तो वोल्टेज गड़बड़ देखेगा तो आप ये जो तीनों रेजिस्टेंस है, तीनों रेजिस्टेंस को पूरा आप ओपन कर दीजिए, ठीक है। ओपन करने के बाद यहाँ पर वोल्टेज टेस्ट कीजिए, टेस्ट करने के बाद भी आपको सेम टू सेम वोल्टेज देखने को मिलना चाहिए। मान लो कुछ भी पिन का अंदर वोल्टेज नहीं है, ठीक है, तो हो सकता है आईसी खराब, ठीक है। उसका पहले ये जो तरीका आपको बात है, ये डायोड भी आपको इसी तरह चेक करके देखना पड़ेगा। और दोस्तों आपको इम्पोर्टेंट कुछ बात बताना चाहता हूँ कि देखिए मान लो ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो गया, एक कलर प्रॉब्लम है, ठीक है, अब शॉर्ट पूरा मिल गया तो चेंज करने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ जब कलर प्रॉब्लम ट्रांजिस्टर आप चेंज करें तो एट ए टाइम चाइना पीसीबी के अंदर हो सकता है तीनों ट्रांजिस्टर को एट ए टाइम चेंज कर दीजिए, क्योंकि एक ट्रांजिस्टर खराब होने का बाद इसका अलग अलग दो ट्रांजिस्टर का वैल्यू बहुत दिन से चलने का रीजन से इसका वैल्यू थोड़ा सा चेंज हो जाता है। मीटर से चेक करेगा तो सब कुछ ओके दिखाएगा, बट कलर सही एडजस्ट नहीं होगा, तीनों कलर जो सेम टू सेम आना चाहिए वो कलर सेम टू सेम नहीं आता है, तो इसीलिए तीनों ट्रांजिस्टर को एट ए टाइम मतलब एक साथ तीनों ट्रांजिस्टर को चेंज करेगा तो कलर क्वालिटी अच्छा देखने को मिलता है, ठीक है। और दोस्तों इसका अंदर जितना रेजिस्टेंस है, जितना पार्स है, कुछ भी रेजिस्टेंस डायोड प्रॉब्लम होने का बाद भी प्रॉब्लम हो सकता है, कौन सा कलर प्रॉब्लम है वो फर्स्ट आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो आप नोट करके भी रख सकते हो, ये जो बेसबोर्ड आप देख रहे हो ये बेसबोर्ड का अंदर साफ साफ लिखा है, मैं तब भी आपको बताना चाहता हूँ कि दोस्तों ये बिग बेसबोर्ड है, ठीक है, स्मॉल बेसबोर्ड भी हो सकता है। तो बिग का ये देखिए, ये जो एक नंबर पिन ओपन, दो नंबर पिन ब्लू कैथोड का पिन है, मतलब ब्लू कलर यहाँ पर आता है, और उसका बाद 3 और 4 ये हीटर का पिन है, मतलब फिलामेंट ऑन होने के लिए, यहाँ पर फिलामेंट सप्लाई 5 वोल्ट का आसपास आता है, एसी 5 वोल्ट, ठीक है, और ये नेगेटिव है। और उसका बाद ये जो पिन, ये रेड कैथोड का पिन है, ठीक है, और उसका बाद दोस्तों ये G2 का पिन है, ये G2 वोल्टेज नहीं आएगा तो लाइट नहीं ऑन होगा,
पिक्चर ट्यूब के अंदर लाइन नहीं आएगा, हो सकता है फिलामेंट जल रहा है। और ये जी टू लाइन का साथ एक पीएफ है, 2 KV का पीएफ है 102 का, तो ये नेगेटिव के साथ कनेक्शन है। तो दोस्तों ये पीएफ शॉर्ट हो जाएगा तो लाइट नहीं आएगा। और उसका बाद दोस्त देखिए, ये जो पॉइंट है ये आर कैथोड का पिन है, यहाँ पर आर लिखा है, यहाँ पर रेड सिग्नल आता है, कलर सिग्नल आता है दोस्तों, उसका बाद ये नेगेटिव है और नीचे ये पिन ओपन है। स्मॉल बेस होगा तो किस तरह होगा, आप ये कैप्चर करके रख सकते हो। देखिए बी कैथोड का ये एक नंबर 2 पिन है, और स्मॉल बेस होगा तो देखिए ये रेड कैथोड का पिन होगा। इसी तरह ये बी कैथोड का, ठीक है दोस्तों, ये रेड कैथोड का पिन स्मॉल बेस होगा तो देखिए ये पिन होगा, ठीक है। और ये दोस्तों बी रेड, और दोस्तों ये ग्रीन का, ठीक है, ये रेड जो लिखा है एक्चुअली ये रेड लाइन का, ठीक है, ये स्मॉल का रेड है दोस्तों, ये ग्रीन का, तो ग्रीन का ये जो पॉइंट है देखिए, इसका साथ जो कनेक्शन है ये पिन का, यहाँ पर जी लिखा है, ठीक है, ये ग्रीन कैथोड का। तो इसी तरह आपको देखना पड़ेगा, जिस कलर प्रॉब्लम होगा आपको वही लाइन को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। मान लो कुछ भी ये रेजिस्टेंस ओवर हीट नहीं हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा, तो इसका मतलब दोस्तों ये शॉर्ट नहीं हो सकता है, ये कुछ भी रेजिस्टेंस ओवर हीट नहीं हो रहा है तब भी कलर प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब क्या है कि बीच में ये जो आईसी से सिग्नल आता है, ये लाइन का अंदर जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस ओपन हो सकता है, ये जो डायोड आपको बताता है कि शॉर्ट होगा तो ये रेजिस्टेंस ओवर हीट होगा। दोस्तों ओपन हो जाएगा तो कलर नहीं आएगा, और उसका बाद आपको ये बीच जो एक एक रेजिस्टेंस दिखाया, ये जो सिग्नल यहाँ पर आता है और उसके बाद बीच ये जो रेजिस्टेंस देखा जाता है, ये ओपन हो जाएगा तो कलर नहीं आएगा, ठीक है। और ये मान लो एक तीनों रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस ओपन हो गया मतलब काट गया, तो इसी का रीजन से कलर नहीं आएगा, ठीक है। और ये जो बेस का जो कैथोड पिन का अंदर जो वोल्टेज जाता है, ठीक है, ये कैथोड पिन का अंदर जो ये लाइन से वोल्टेज जाता है, ये रेजिस्टेंस ओपन हो जाएगा तो कलर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। तो ओपन पार्ट्स चेक करने का तरीका आसान है, ठीक है। इसी तरह सेम जो तीनों पार्ट्स देखा जाता है, मान लो तीनों पार्ट्स को आपको चेक करना पड़ेगा, दोनों पार्ट्स सेम देखने को मिलेगा, एक पार्ट्स का कॉन्टिन्यूटी देखने को नहीं मिलेगा तो मान लो वो रेजिस्टेंस ओपन हो गया। इसी तरह सेम नंबर का जो तीनों रेजिस्टेंस देखा जाता है, इसका वैल्यू सेम ही है, ठीक है। इसी तरह ये जो रेजिस्टेंस है, मान लो ये आप टेस्ट किया, ये 100 ओम्स का आसपास है, ठीक है, ये 100 ओम्स मिलेगा, और ये रेजिस्टेंस 100 ओम्स नहीं मिल रहा है, और ये रेजिस्टेंस 100 ओम्स मिल रहा है, तो ये रेजिस्टेंस ओपन है, ठीक है। इसी तरह सेम आपको मीटर से चेक आसानी से कर सकते हो, ठीक है। और एक प्रॉब्लम जो आता है, ब्लैक एंड व्हाइट प्रॉब्लम, तो दोस्तों ये भी पिक्चर का एक फॉल्ट है। तो ब्लैक एंड व्हाइट प्रॉब्लम ये कुछ भी पार्ट से नहीं हो सकता है, ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट प्रॉब्लम जो होता है कि ये मेन प्रोसेसर आईसी से हो सकता है, और ये जो क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल से भी ब्लैक एंड व्हाइट प्रॉब्लम हो सकता है। दोस्तों कभी कभी ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है, कभी कभी कलर ओके आ जाता है, तो दोस्तों ये क्रिस्टल से भी हो सकता है, ठीक है। और मान लो कुछ भी रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर का सब जो पिक्चर कभी कभी ओके आ जाता है, कभी कभी कलर प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसका भी रीजन ये तीनों जो ट्रांजिस्टर है, ये तीनों ट्रांजिस्टर वीक होने का रीजन से भी हो सकता है। तो इसीलिए ट्रांजिस्टर को चेंज करके देखना पड़ेगा, ठीक है। और दोस्तों ये तो न्यू पीसीबी है, अब पुराना पीसीबी होगा तो मेरे वीडियो कॉन्फ्रेंस या कई का अंदर यदि अधिक देखा जाता है कि दोस्तों ये तीनों ट्रांजिस्टर सेट है, तो 9 ट्रांजिस्टर सेट अधिक पुराना पीसीबी का अंदर देखा जाता है। 9 ट्रांजिस्टर होगा तो आपको पूरा सेट को चेंज करना पड़ेगा, जो ट्रांजिस्टर का सेट है एक एक कलर लाइन का अंदर, वो भी आपको चेंज करना पड़ेगा। और ये जो पीसीबी है, इसका अंदर ये जो फॉयल लाइन, मतलब ये जो तांबे का लाइन होता है, देखिए ये जो फॉयल लाइन, यहाँ पर देखिए 180 वोल्ट आता है, थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है रेजिस्टेंस का बाद तो यहाँ पर जो हाई वोल्टेज आता है, इसका रीजन से ये ट्रांजिस्टर का जो बायसिंग लाइन होता है, ये हीट होने का रीजन से पीसीबी का साथ इंटरनल शॉर्ट होता है और इंटरनल फायरिंग होता है। तो दोस्तों ये आंखों से नहीं देखा जाता है, तो ये प्रॉब्लम रिपेयर करने के लिए, मान लो ये जो लाइन है 180 वोल्ट का लाइन है जो जाता है, ये लाइन का आपको इस तरह पूरा कट करना पड़ेगा, फायरिंग देखेगा तो काला हो जाएगा। तो ये कट करने के बाद आपको इसी तरह ये ट्रांजिस्टर के ऊपर जम्पर करना पड़ता है, तो कुछ भी लाइन हो सकता है, ठीक है। तो
कभी कभी कलर आएगा, कभी कभी कलर जाता है आता है, इसी तरह प्रॉब्लम। ये फॉयल लाइन जो फायरिंग का वजह हो सकता है, ठीक है, तो वो भी आपको अच्छा करके फॉलो करना पड़ेगा। ये सब अच्छा करके देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। और दोस्तों पिक्चर ट्यूब का कलर प्रॉब्लम आएगा तो पिक्चर ट्यूब भी आप रिपेयर कर सकते हो। कैसे रिपेयर किया जाता है उसका पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है। तो चलिए आपको बताना चाहता हूँ कि आप ये वीडियो का प्लेलिस्ट चेक कीजिए। प्लेलिस्ट चेक करने का तरीका क्या है, ये वीडियो का जो अब लोगो देख रहा है, ये लोगो का ऊपर आप क्लिक करेगा तो ऊपर देखिए वीडियो ऑप्शन आ जाएगा, प्लेलिस्ट आ जाएगा। प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करेगा तो मैं अलग अलग प्रॉब्लम के ऊपर प्लेलिस्ट बना के रखा है। आपका कलर प्रॉब्लम आएगा तो कलर प्रॉब्लम के ऊपर प्लेलिस्ट चेक करेगा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा वीडियो देखना पड़ेगा। देखने के बाद आप ज़रूर आप खुद ही कलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों वीडियो फुल वॉच करने के लिए।